हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फेल्यू टू सक्सेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में फिएट बोगी और आईसीएफ बोगी में के जो साइलेंट फीचर हैं उनका कंपैरिजन करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए दोस्तों, शुरू करता हूं। कंपैरिजन ऑफ साइलेंट फीचर्स ऑफ आईसीएफ एंड फिएट बोगी। आईसीएफ और फिएट बोगी में क्या क्या बेसिक डिफरेंस हैं उनकी बात आज हम करेंगे। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं आईसीएफ और दूसरी तरफ लिख लेते हैं फिएट। नंबर एक जो हमारा पॉइंट रहेगा, हम बात करेंगे मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड। आईसीएफ की जो मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड है वो 130 केएमपीएच है किलोमीटर पर आवर, जबकि फिएट बोगी की 160 केएमपीएच है। सेकंड हमारा हो जाएगा टेस्टेड स्पीड कितनी है, कितनी स्पीड पर इसको टेस्ट किया गया इस बोगी को। तो आईसीएफ की जो ट्रॉली है वो 140 केएमपीएच, जबकि फिएट बोगी 180 केएमपीएच पर टेस्टेड है, जबकि इसका जो पोटेंशियल है वो 200 केएमपीएच। ये स्पीड पोटेंशियल है, यानी इतने स्पीड तक हम इसको रन करा सकते हैं। ये 180 क्या है, टेस्टेड स्पीड है, 160 मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड है, और 200 क्या है, ये हमारी स्पीड पोटेंशियल हो गया। नंबर तीसरा हो जाएगा बोगी फ्रेम। किस तरह का बोगी फ्रेम यहां पर यूज किया गया है, तो आईसीएफ में जो हमारा बोगी फ्रेम है वो आई टाइप का यूज किया गया है, जबकि फिएट में हमारा एस टाइप का बोगी फ्रेम यूज किया गया है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट हो जाएगा व्हील वेज। आईसीएफ का व्हील वेज जो है हमारा 2896 mm है, जबकि फिएट का 2560 mm हमारा व्हील वेज है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर हमारा जो हो जाएगा व्हील डाया। जो आईसीएफ में जो हमारे व्हील यूज किए जाते हैं वो 915 प्लस 3 माइनस 0 mm की यूज किए जाते हैं, ये हमारी न्यू व्हील डाया है, जबकि फिएट में 915 प्लस 4 माइनस 0 mm ये न्यू हो गया, जबकि कंडम साइज जो है वो आईसीएफ का 825 mm हमारा कंडम साइज है, जबकि फिएट में 845 कंडम साइज है। सिक्स नंबर पॉइंट जो हमारा हो गया ब्रेक। आईसीएफ में जो हमारे ब्रेक यूज किए जा रहे हैं वो क्लैस्प टाइप ब्रेक्स हैं, और जबकि यहां पे फिएट में एक्सेल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम है। नेक्स्ट हमारा सेवेंथ पॉइंट हो जाएगा बियरिंग। आईसीएफ बोगी में जो हमारी बियरिंग यूज की जाती है, जो व्हील में बियरिंग यूज की जाती है वो हमारी स्फेरिकल रोलर बियरिंग है, जबकि फिएट बोगी में जो हमारी बियरिंग यूज की जाती है वो CTRB, इसका फुल फॉर्म है कैटरेज टाइप टेपर रोलर बियरिंग, कैटरेज टाइप टेपर रोलर बियरिंग। नेक्स्ट हमारा एट पॉइंट हो जाएगा प्राइमरी सस्पेंशन। जो आईसीएफ में है वो हमारा सिंगल स्प्रिंग इसमें यूज की जाती है प्राइमरी सस्पेंशन में, जबकि फिएट में हमारा नेस्टेड स्प्रिंग यूज की जाती है, दो संख्या में यूज की जाती है। नाइन्थ हमारा जो पॉइंट हो जाएगा नॉइज कंट्रोल। तो आईसीएफ में लिमिटेड नॉइस कंट्रोल फीचर है, जबकि यहां पर जो है हमारा थिक रबड़ पैड यूज किए जाते हैं जिससे नॉइस कंट्रोल
बहुत अच्छा है। टेंथ पॉइंट सेकेंडरी स्प्रिंग कह सकते हैं। सेकेंडरी स्प्रिंग ऑन लोअर प्लैंक, लोअर प्लैंक के ऊपर हमारी सेकेंडरी स्प्रिंग रखी जाती है, जबकि यहां पर जो हमारी सेकेंडरी स्प्रिंग है डायरेक्टली माउंटेड ऑन साइड फ्रेम। इसमें नो लोअर स्प्रिंग प्लैंक, यहां पर लोअर प्लैंक जैसा कुछ भी नहीं होता है फिएट बोगी में। 11 हमारा जो पॉइंट हो जाएगा, वेट ट्रांसफर। तो वेट ट्रांसफर कैसे होता है? आईसीएफ में जो हमारा वेट ट्रांसफर होता है वो कोच लोड इज ट्रांसफर थ्रू साइड बियरर 100% जो हमारा लोड है वो साइड बियरर के थ्रू ट्रांसमिट हो जाता है, जबकि फिएट बोगी में जो हमारा लोड ट्रांसमिट होता है थ्रू बोगी बॉडी कनेक्शन टू साइड फ्रेम, यानी बोगी और बॉडी का जो कनेक्शन है उससे साइड फ्रेम पर आता है, और किसके थ्रू आता है? बाया सेकेंडरी स्प्रिंग। सेकेंडरी स्प्रिंग के थ्रू हमारा जो वेट है बोगी बोगी कनेक्शन बोगी बॉडी कनेक्शन से साइड फ्रेम पर ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट हो जाएगा, बोगी फ्रेम इसका जो बोगी फ्रेम है आईसीएफ का वो हमारा विथ हेड स्टॉक है, जबकि फिएट का जो बोगी फ्रेम है विदाउट हेड स्टॉक। नेक्स्ट हमारा 13 पॉइंट हो जाएगा, एक्सेल बॉक्स गाइडेंस। एक्सेल बॉक्स गाइडेंस हमारा आईसीएफ में जो हमारा वो रिजिड टाइप का है, जबकि फिएट में आर्टिकुलेटेड टाइप का है। 14 हमारा जो पॉइंट हो जाएगा, डैम्पर। आईसीएफ में हमारा प्राइमरी जो डैम्पर है वो डैशपॉट है, जबकि यहां पर जो हमारा डैम्पर है वो हाइड्रोलिक टाइप का डैम्पर है फिएट बोगी में। फिफ्टीन पॉइंट हो जाएगा, रबड़ कंपोनेंट। आईसीएफ में रबड़ कंपोनेंट वेरी फ्यू हैं, बहुत कम हैं, जबकि यहां पर जो हमारे कंपोनेंट हैं रबड़ के बहुत ज्यादा हैं। 16 पॉइंट जो हमारा है, लेटरल स्टॉप। आईसीएफ में लेटरल स्टॉपर जो हमारा है वो मेटल का है, जबकि यहां पर जो हमारा है वो रबड़ का स्टॉपर है हमारे पास। नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो जाएगा 17, वो हो जाएगा हमारा डिफ्लेक्शन रेशियो। सेकेंडरी टू प्राइमरी, तो सेकेंडरी स्प्रिंग और प्राइमरी स्प्रिंग का जो डिफ्लेक्शन रेशियो है वो हमारा कितना है? तो आईसीएफ में वो हमारा 50-50 है, जबकि एलएचबी में जो हमारी फिएट बोगी है वो 67/33 है, 67/33 ये डिफ्लेक्शन रेशियो हो गया हमारा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एंटी रोल बार, एंटी रोल बार, तो आईसीएफ में जो हमारा वो प्रोवाइड नहीं है, लेकिन इसके लिए क्या यूज किया गया है? डैशपॉट दिया गया है। डैशपॉट जो है प्रोवाइडेड टू कंट्रोल टेंडेंसी ऑफ रोलिंग। एंटी रोल बार के लिए यहां पर डैशपॉट प्रोवाइड किया गया है, वही हमारा एक्सेल गाइडेंस भी करता है और वही हमारा रोलिंग की टेंडेंसी को भी कंट्रोल करता है, जबकि फिएट बोगी में हमारा क्या दिया गया है?
उसमें एक एंटी रोल बार प्रोवाइड की गई है। तो एंटी रोल बार उस नाम से ही हमारा उसमें कंपोनेंट है, प्रोवाइडेड टू कंट्रोल द टेंडेंसी ऑफ रोलिंग। नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो जाएगा बोगी का वेट। तो आईसीएफ बोगी का वेट जो है, आईसीएफ बोगी हमारी दो प्रकार से आती है, एक 13 टन एक्सेल लोड के साथ और एक 16 टन एक्सेल लोड के साथ। तो 13 टन जो एक्सेल लोड है उसके हिसाब से जो हमारी बोगी का वेट हो जाएगा वो 6.2 टन हो जाएगा, कि है 16.25, 16 टन भी बोलते हैं, 6.5 टन, जबकि बोगी का जो वेट है वो 6.33 टन होता है। तो दोस्तों ये रहे हमारे फिएट और आईसीएफ बोगी के साइलेंट फीचर्स। आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।